और इंडिया को चाहिए ही नहीं चाइना का सामान। तो हम अच्छे से स्क्रेप कर लेंगे, ऐसे से निकाल लेंगे इसका जेल, मैरिनेटेड सोयाबीन। मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसे सुभाष की चल रही है मेडिटेशन। सुभाष आज शायद कितने जन्म बाद शायद आज सुबह 6:30 बजे उठे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग थी। और क्या ऑफिस है आजकल, योगा भी करवाती है ऑफिस। जस्ट लुक, जगह देखो योगा करने का, मेडिटेशन करने का। योगा नहीं है, मेडिटेशन, ऑनलाइन मेडिटेशन। भैया ऑनलाइन क्लास हो गया, ऑनलाइन काम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अभी यही क्यों रह जाए। ये देखो ऑनलाइन मेडिटेशन, इतना स्ट्रेस हो गया मेरे ख्याल से ना, सुबह 6:30 बजे उठना कहाँ होता है भाई, एक दिन उठेंगे तो इतना स्ट्रेस तो होगा ही, मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। वेदर देखो आजकल पुणे का, पूरा ग्राउंड सामने हरा हो गया बिल्कुल, इतना मस्त वाला मौसम हो रहा है। एक्चुअली इस टाइम का ना पूरे पुणे वाले, मुंबई वाले वेट करते हैं मानसून टाइम का। लोनावला, महाबलेश्वर, पंचगनी, ऐसे मतलब तामिनी घाट, यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, यहाँ पे टूरिस्ट इतना ज़्यादा भर भर के आते हैं इस टाइम पे। मतलब ये टाइम में वाटरफॉल्स, मतलब महाराष्ट्र में मोस्टली हर जगह वाटरफॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी जुलाई में बारिश होगी तो सारा वाटरफॉल वगैरह शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर वी आर रियली, आई मीन महाराष्ट्र के लोग रियली दे आर गोइंग टू मिस दिस ईयर, ये सारा वाटरफॉल, जो सारा मानसून का फन होता है ना, जो पूरा वेट होता है साल का इस मानसून के लिए, वी आर गोइंग टू मिस दैट लिटरली बहुत ज़्यादा। बारिश की वजह से सारे कपड़ों का नया ठिकाना यही हो गया है। रात को हम लोग और थोड़ा अंदर अंदर कर देते हैं कि गीले ना हो जाए, फिर सुबह बाहर। मानसून में यही होता है ना, बस कपड़े अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। आज आपको गुड मॉर्निंग वेलकम किया ही नहीं, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। और ये लड़की यहाँ पे आधे घंटे पहले उठ गई है, तब से एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है सोने का, एक्टिंग कर रही है सोने का, क्योंकि इसको उठना नहीं है, है ना। बेड से उठाने में बड़ा मुश्किल होता है ना, ना बेड से निकलने का मन नहीं करता ना। वो इतनी बड़ी एक्टर, इतनी बड़ी एक्टर, इतनी बड़ी एक्टर। अच्छा छी, ये देखो छी, उठ जाओ, उठ क्यों नहीं रहे हो, ओए नाटक। इसको उठे हुए हो गया 20-25 मिनट हो गए, पर इसको यहीं पे लेट लेट के टाइम पास करना है। बारिश होती है तो ये बाल सारे खड़े हो जाते हैं सबके सब, इतने फ्रिज हो जाते हैं बालों में। अब मुझे पता है आप बहुत पहले उठ गया, ठीक है ना, एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग एक्टिंग हो रही है। चलो उठो, उठ जाओ। यस, सब आपको कितना मिस कर रहे थे, आप सोते रहोगे तो सब आपको मिस करेंगे ना, वीडियो में नहीं आओगे तो। भाई आप लोग बड़ा मिस करते हो अनन्या को, ये लो ये आ गई अनन्या। ये क्या है, गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे पर छोड़िया। यही मिस करते हो आप ना, लियो ये लो आ गया तुम्हारी छोरियाँ। अभी मिलवाते हैं आपको सुभाष से फाइनली। यस सुभाष, ठीक कर लो, ठीक कर लो, सब ठीक कर लो, मैंने दिखा लिया ऑलरेडी तुमको। सुभाष आज जिंदगी में कितने सालों बाद उठे, आज सुबह 6:30 बजे, आज पता नहीं कितने बाद, लास्ट टाइम कब उठा था पता नहीं। ये तुमको स्ट्रेस हो गया सुबह सुबह मेडिटेशन करनी पड़ी तुमको। किस चीज का स्ट्रेस, सुबह उठने का स्ट्रेस, एक दिन से उठना पड़ा 6:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट से जैसी बहाने मेडिटेशन पे जाती है। वाह, ये आ गई मैडम हमारी, अन्य को सब बहुत मिस कर रहे थे, अन्य अपना पागल पर ऑलरेडी दिखा लिया, बस शुरू हो गया, चलो वापस से छोड़िया, ब्रश तो रख के आओ वापस, ब्रश लेके घूम रही है, हर चीज का टॉय बना लेती है।
मेरे भुट्टा बॉयल हो गए हैं और ठंडे हो गए हैं। इसमें से हाफ भुट्टा जो कॉर्न है उनको मैं इसमें डाल दूंगी और हाफ जो कॉर्न्स है उनको मैं पीस लूंगी। तो ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कॉर्न के पकौड़े। लास्ट टाइम जब हम लोनावला गए थे ना, वहाँ पे इतना फेमस है मैगी और ये कॉर्न के पकौड़े, तो मैंने वहाँ पे खाया था, तो आके मैंने बनाया था तो बहुत यम्मी बने थे। तो ये हम ओकेजनली बनाते हैं, तो आज मेरा मन कर गया ये बनाने का। ये एक्चुअली इवनिंग स्नैक्स में बहुत अच्छे लगते हैं, बट हम ना इवनिंग में बताएं, आई डोंट नो, मैं सुभाष बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते तली हुई चीज़ें शाम को। तो जो भी हमारी जो पकौड़े वकौड़े ज़्यादातर बनते हैं वो मॉर्निंग में ही हम ब्रेकफास्ट के साथ ही एज अ साइड खाते हैं, इवनिंग में नहीं करते। आप इवनिंग में इसको चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा एक्चुअली आपका इवनिंग स्नैक है ये। तो इसको करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने इसको दरदरा करके पीस लिया है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा ऐसा उबड़ खाबड़ सा, मतलब दरदरा सा पीसना है। मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ये है कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा बेसन, नमक, अदरक लहसुन, चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आगे हमारी चोरनी है ना, आगे हमारी चोरनी, चलो जाओ मम्मा लेके आ रही, लेके आ रही, बैठो लेके आ रही। तो ये रहे हमारे कॉर्न के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े, ये लो एक आपके लिए भी है, खा लो। पकौड़े बन रहे हैं और पकौड़े के साथ एक्चुअली कल रात को जो मैंने आटा गूंदा था ये रात का बचा हुआ है। एक्चुअली जब मेरा दाल बच जाता है ना, जब भी दाल बच जाता है तो मैं उसमें आटा डाल के थोड़े से मसाले प्याज वगैरह डाल के उसको गूंद लेती हूँ, तो उसको हम दाल पराठा बोलते हैं और वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आपका भी ऐसा होता है कि दाल लेफ्ट ओवर है तो उसमें आप बिना पानी डाले सिर्फ दाल में ही मसाले वगैरह डाल के आटा गूंद लीजिए, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, उनके दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने रात को बनाया था तो उसी का थोड़ा आटा बच गया है, तो मैं इसके पराठे बनाऊंगी और साथ में कॉर्न के पकौड़े। चलो हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। क्रंच की आवाज तो आनी चाहिए, क्रंच की आवाज नहीं आ रही सुभाष। लोनावला की याद आई? आई नो, मैं वही बता रही थी, लोनावला में हमने खाया था। बड़ा मस्त होते हैं। मोटू कैसा लग रहा है? यम्मी, हमेशा बोलती हूँ मैं, है ना। चलो एंजॉय। अच्छा मस्त। यस, और ये है आजकल की कोविड स्पेशल दुनिया, नहीं सब ऑनलाइन, यहाँ पे चल रही है ऑनलाइन मीटिंग, इधर ऑनलाइन क्लास, है ना अनन्या, लॉकडाउन स्पेशल। अनन्या को हंसते हुए देखा है ना, मस्ती करते हुए, ये देखो रोती हुई अनन्या, दिखाओ दिखाओ, रोते हुए तो भी देखना चाहिए लोगों को, क्यों रो रही है वो भी बता दो। उसकी पिंक रोप टूट, मना किया था ना मैंने, मना किया था ना आपको कि मत करो उसके साथ ऐसे। तो अभी लंच के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, आज कुछ स्पेशल डिश बनेगा सोयाबीन से। प्रोटीन में हम लोग चिकन के इतने डिशेस बनाते हैं, पनीर के इतने डिशेस बनाते हैं, पर इस वाले प्रोटीन को भूल जाते हैं। तो आज मैं एक क्रीमी सा कुछ स्पेशल सा डिश बनाने वाली हूँ सोयाबीन चंक्स के साथ। उसके लिए सबसे पहले मैं सोयाबीन को मैरिनेट करूंगी। सोयाबीन को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार हम सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं तो सोयाबीन ना पानी पानी जैसा फील होता है, या फिर काफ़ी लोग उसको पहले फ्राई कर लेते हैं, पर इसमें आपको पानी सा भी फील नहीं होगा और हम इसको फ्राई भी नहीं करेंगे, स्टिल बहुत यमी सा क्रीमी सा सॉफ्ट सॉफ्ट सोयाबीन बनेगा। उसके लिए मैं इसको मैरिनेट करूँ, इसमें डाल दूँ दही, यह है मलाई, थोड़ी मलाई इसमें डालेंगे, थोड़ी मलाई हम ग्रेवी में भी डालेंगे, डालेंगे गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर,
जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च भी इसी टाइम पे डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाल रही क्योंकि अभी अनन्या के लिए मुझे अलग से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इसको हम ढक के आधे घंटे तक मैरिनेट होने देंगे। तो अनन्या हमारे लॉकडाउन में नए नए स्किल सीख रही है। वाह गुड, चीज दिखाओ। हाँ दिखाओ, ये हमने करा है पहले। ये हमारे घर की चुड़ैल। ओके करो मंकी, क्या करोगे? ओ मेरी बंदरिया, गुड। मैं गिर जाऊंगी आपको दिखाते। गुड जॉब, आ जाओ नीचे, आ जाओ धीरे से। गुड जॉब, हाई फाइव। ये लॉकडाउन में सबसे गंदा जो काम लगता है ना मुझे, ये लगता है ये जो सामान लाके इनको धोना करना। और ये देखो हमारे घर में ना कुछ दिन पहले इतनी सारी वो रेड एंट्स होती है ना, छोटी छोटी चींटियां, इतनी सारी हो गई थी। और जिस दिन मैंने ये ऑर्डर किया था, जिस दिन ये आया उसके एक रात पहली सारी चींटियां गायब। मतलब कहते ना शायद इनको पता चल गया है कि भाई दवाइयाँ आ रही है, तो एकदम से उस दिन रात को गायब। अगले दिन ये आया तो चिड़िया ही नहीं थी घर में मारने के लिए। आ गया, अब इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, एप्पल्स और खीरे को। तो अब इसको मैं पॉस्टराइजर में लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे क्या चल रहा है? अपने फोल्ड, मल्टीटास्किंग, ऑफिस का काम, न्यूज़। यस यही होता है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम। साथ में ऑफिस का काम, घर का काम, क्या क्या करे बेचारा ये अकेला इंसान है। बेचारा ये सुपरमैन, दिखाओ सुपरमैन, बेचारा ये सुपरमैन, दिखाओ दिखाओ सुपरमैन को, देखो कपड़े फोल्ड कर रहा है सुपरमैन। करो करो। सो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ऑफिस का काम, साथ में न्यूज़ भी पढ़ रहा हूं। क्या न्यूज़ पढ़ रहे हो आजकल? आई एम श्योर सेंडिंग द ट्रूप्स, ऑफरिंग ट्रूप्स टू इंडिया। अच्छा अच्छा, वो उसके लिए चाइना लड़ाई के लिए। हाँ वो भी एक एक्चुअली हम सुबह वही बात कर रहे थे कि चाइना ने तो सारा क्या, अरे नहीं आगे जाओगे पापा के लैपटॉप के ऊपर, चाइना ने पाकिस्तान को अपने साइड कर लिया, नेपाल को कर लिया, बांग्लादेश को ऑलमोस्ट अपने साइड कर लिया है, भूटान कर रहा था। हाँ भूटान को भी ट्राई कर रहा था लेकिन गली नहीं डाल उनकी वहाँ पे। वो फ्रांस का आज ही न्यूज आया था कि वो फ्रांस अपने वो ट्रूप्स भेज रहे हैं, ऑफरिंग द ट्रूप, भेज रहा है ऑफरिंग द ट्रूप असिस्टेंस। हाँ चलो, अपने पास यूएस भी है आई थिंक, इंडिया का ही यूएस ने बोला कि वो भी यूरोप से कम करके इंडिया को भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया भी करेगा। ऑस्ट्रेलिया भी है अपने साइड में थोड़ा। और अभी परसों अपने जो आई थिंक काफी अच्छा मूव था इंडियन गवर्नमेंट का, आजकल कहते हैं ना सब कुछ क्या ऑनलाइन वॉर, सो ऐप वॉर, डिजिटल वॉर, यस डिजिटल स्ट्राइक। तो इंडिया ने अपना डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है थैंक्स टू मोदी। आई मीन मोदी इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले सकता है, इतने मोदी ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं सीरियसली। आई मीन ये ऐप वाला तो बिल्कुल ही, मतलब चाइना का 30% मार्केट है इंडिया में, नहीं 30%, मतलब साफ। चलो अच्छा है, टिकटॉक बैन हो गया और ये आपका शाइन बैन हो गया, बट आई एम श्योर शाइन को काफी लोग मिस करने वाले हैं, काफी अच्छे कैम स्कैनर हो गया, काफी बड़े बड़े जो। मैं बड़ी होके क्या बनना चाहती हूँ? प्राइम मिनिस्टर। अनन्या ने ड्राइंग बनाई है, ये अनन्या बैठी हुई है ना, अनन्या प्राइम मिनिस्टर बनेगी। अनन्या ये फाइल्स है अनन्या की छोटी छोटी, और आपने मुंह क्यों खोला हुआ है? मैं बोल रही हूँ ना। अच्छा बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो वैसे प्राइम मिनिस्टर बनके? उमंग की बात बोल रही हूँ। मन की बात। हाँ। भाइयों और बहनों, ये हमारी प्राइम मिनिस्टर। आपको मेड इन इंडिया, मतलब आपको मेड इन चाइना वाले चीजें नहीं लेना है, वो क्रॉस कैप के लिए, क्योंकि एक आदमी को मार दिया उनने और इंडिया को चाहिए ही नहीं चाइना का सामान, तो आपको मेड इन इंडिया का लेना पड़ेगा सामान, समझ गए ना, मेड इन इंडिया का लेना। मेड इन इंडिया,
सम्मान चाहिए जस्ट मेड इन इंडिया जोकर मेरे सीरियसली मेरे इंडिया सामान बस लेना बना ये चुप नहीं होगी मैं करने आई हूँ फेस पैक का जुगाड़ आज बनाएंगे एलोवेरा का फेस पैक और ये मेरे घर के बाहर के प्लांट्स अपने से किसी एक ने मुझे पूछा था मैंने इंस्टा पे जब शेयर किया था कि मेरे जो ऑरेंज प्लांट्स हैं उनका क्या हुआ एक सूख गया और एक ऐसा ही है ग्रोथ नहीं होती इनकी बिल्कुल मैंने पहले भी लगाया है एक दो बार कि ग्रोथ नहीं होती और मैंने अपने किसी वीडियो में शेयर किया था कि ये वाला प्लांट बिल्कुल मर गया था आई मीन ऑलमोस्ट डेड तो उसको मैंने काट के यहाँ पे दो पार्ट्स में लगा दिए थे एक इस गमले में लगाया था मैंने और एक इसमें देखिए सर्वाइव कर गया आई वॉज नॉट श्योर कि ये सर्वाइव करेगा देखो उसमें कैसे नए नए शूट्स आ रहे हैं इधर भी और इसके नीचे भी इस पर एक छोटा सा वीडियो मैंने इंस्टा पे शेयर किया था छोटे छोटे बेबीज आर कमिंग आउट इधर भी देखो ये शूट इधर भी देखो ये छोटे छोटे शूट्स आ रहे हैं एलोवेरा फेस पैक के लिए सबसे पहले हम ये जो कांटे हैं ऊपर के इसको निकाल लेंगे ऐसे स्किन निकाल लेंगे ऊपर से हल्की सी ऐसा स्टिक स्टिकी आएगा हम अच्छे से स्क्रेप कर लेंगे ऐसे इसे निकाल लेंगे इसका जेल अभी हम मिक्सी में थोड़ा सा लेंगे ये सैंडलवुड पाउडर चंदन आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं थोड़ी सी हल्दी और ये एलोवेरा जेल और इसको हम पीस लेंगे एक साथ तो ये मैंने पीस लिया था तो ये फेस पैक रेडी हो गया ऐसा आप फेस पैक का एलोवेरा का जूस निकाल लेते हैं ना अगर उसके लीव्स ग्रीन यूज नहीं करते तो उतनी इचिंग नहीं होती है लेकिन आप उसको ग्रीन लीव्स के साथ ही पीस लेंगे ना वैसे भी आप पीस सकते हैं लेकिन उससे काफी इचिंग होती है तो ये हो गया अब मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए फिर इसको मैं धो लूंगी 10-15 मिनट में रनन्या ने अपने लिए एक बीच पार्टी स्टार्ट कर लिया है कहाँ हो आप गोवा वाह देखो जरा इसका गोवा कल से लेके कल से हाँ ये दिलाया कॉमिक पिंकी और मच्छर सिंह यस तो कल से नन्या यही लेके बैठी है और कल से नन्या ये छाते को लेके बैठी है गोवा कल से गोवा चल रहा है नन्या का तो अब तो अच्छी बात है ना अब से हम गोवा जाने की जरूरत ही नहीं है अब से अगली बार से मत बोलना है कि मुझे गोवा जाना है यहीं मस्त बैठना और यहीं पे गोवा हो जाएगा आपका कुछ दिख भी रहा है चश्मे से पढ़ने के लिए हीरोइन हाँ दिख रहा है गर्मी भी वैसी हो रही है गोवा जैसी है ना हाँ पूरी फील आ रही है गोवा की पढ़ो पढ़ो कंटिन्यू सबसे पहले तेल में हम डालेंगे साबुत जीरा हींग अदरक लहसुन का पेस्ट देखिए अदरक लहसुन थोड़ा फ्राई हो जाएगा इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज अनियंस के अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज टमाटर लिए हैं उनका पेस्ट बनाया है टमाटर के अच्छे से फ्राई होने के बाद उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक गरम मसाला जीरा पाउडर हल्दी धनिया पाउडर मसाले डाल के हिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैरिनेटेड सोयाबीन जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें हम डालेंगे पानी इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के कुक करेंगे मेरी ग्रेवी को कुक होते हुए हो गया है 15 मिनट देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है तो आप इसमें मिर्ची मैंने इसमें मिर्ची अभी ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं रहने के लिए निकालूंगी तब इसमें पहले ही मिर्ची ऐड कर सकते हो अब एंड में मैं इसमें डालूंगी ये क्रीम फ्रेश क्रीम है ये
को मिक्स कर लेंगे। और इसको 2 मिनट तक हम कुक करेंगे और फिर बंद कर देंगे। आजकल हमारा फेवरेट गेम हो गया ये 2-3 दिन से। 2-3 दिन आया है, 2-3 दिन में अनन्या ने इसकी कितनी गोटियां घुमा दी। अनन्या 2 गोटियां भी गुम हो गई। मेरा मेरा टर्न खाए जा रहे हो यार, मेरे को टर्न ही नहीं मिला। कितना आया था? ए चल फिर देखो। चीटर चीटर एक नंबर किया, चीटिंग है अनन्या। सब आया था मेरा, ये सब ने खा लिया। आई नहीं रहे वाले, पहले दोनों तो निकलो बाहर। क्या चल रहा है यहाँ पे? मैशिंग ऑफ जिंजर्स। अच्छा पापा, जिंजर्स का ऊपर। और आपने ये नाइट सूट कब क्यों पहना हुआ है ऊपर का? ताकि मुझे स्टीम ना लगे इसका गर्म गर्म। वाह बड़ी इंटेलिजेंट है तुम। आज सुबह आज बना रहे हैं चाय। आज चाय बनाने का मन कैसे कर गया है? सुपरमैन आज सुपरमैन बना तो सब कर सकता हूँ। अच्छा इसीलिए सुपरमैन चाय बना सकता है। देखियो जैसे मैंने अलग से उनको क्वेश्चन पूछा उधर पढ़ रही थी उधर से उठ के आ गई यहाँ पे घुसना है जबरदस्ती व्लॉग में। ये मेरी छोटी सुपरमैन है, ये मेरे साथ हेल्प करती है चाय बनाने में। और कितने हेल्प चाहिए तुमको चाय बनाने के लिए? कितना हेल्प चाहिए? उसने पानी डाला। हाँ। और फिर अदरक कूटा, देखा अदरक कूटा उसमें। और फिर दूध डाला। आज तो स्पेशल चाय बनेगी। और पानी भी तो डाला था। आज गुड़ भी डालेगी। वाह थैंक यू सो मच। देखते हैं आज चाय का गुड़ ओवर होता है कि चाय बनती है। चलो टेस्ट करते हैं सुभाष के चाय को। वैसी बनी जैसी मुझे चाहिए। एक्चुअली चाय के मामले में ना मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ऐसी वैसी चाय पसंद नहीं आती, और अगर खराब चाय मिल गई तो मेरा ना बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। अगर आपको चाय पसंद है ना तो आपको ये जो मेरी बैड क्वालिटी है वो आपको चाय को लेके, वो भी स्पेसिफिक तरह की चाय, अगर आप चाय लवर हैं और स्पेसिफिक तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो सुभाष मेरा वो कहते ना भोगी रह चुका है मेरे तांडव का। गुप्त गुप्त भोगी। हाँ भोगी, बट नहीं आज अच्छी बनी है चाय। थैंक यू सो मच। चीयर्स। ला भैया तुम भी चीयर्स। मतलब तुम जान खा जाओगी मेरी। लाओ इसी से कर लो, नहीं इसी से कर लो। चीयर्स। चाय पीते पीते देखिए हमको व्यू कैसा मिलता है। एक मिनट, मैं चाय की कप और ऐसा व्यू, और क्या चाहिए लाइफ में। घर से ही पूरा नेचर। और वाह वहाँ पे एक रेनबो भी आया यार सुभाष। और अनन्या इंद्रधनुष को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अनन्या बालकनी में बैठे बैठे ये व्यू मिल जाए और क्या चाहिए। एक एयरप्लेन और एक इंद्रधनुष। सो इसी सुंदर से रेनबो के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। एंड हाँ आज डॉक्टर्स डे भी है, तो अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द लवली हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स, प्लस हमारे जो सारे नर्स हैं और जो सारे जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको भी यही क्या अनन्या उनको भी अ बिग थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो मैं और मेरी ये छोटी सी डॉक्टरनी मिलते हैं आपको दोबारा अपने अगले व्लॉग में। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। तुम भी बोल दो बाय बाय बाय। हाँ हो गया हो गया हो गया।